यह है चांदनी चौक का सुबह सुबह का माहौल। तो अभी अपनी थाली आ चुकी है परांठे की, ये आप देख सकते हैं, ये अभी धूप का नज़ारा और मौसम हो चुका है क्लियर। अभी हम पहुंच चुके हैं लाल किला के सामने। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी दिल्ली में देख सकते हैं सुबह सुबह मौसम का हाल, बारिश वगैरह स्टार्ट हो चुकी है और हिमाचल में दो दिन से शुरू थी तो आज यहाँ से भी शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं हल्की हल्की बूंदाबांदी सी हो ही गई है शुरू। और अभी मैं निकला हूँ चांदनी चौक, तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपने नारायणा मेट्रो स्टेशन। तो चलिए चलते हैं और बादल को देख सकते हैं ना कैसे गरज रहे हैं। अभी मेट्रो मैंटर में कर चुका हूँ। तो अभी गाइज मैं पहुंच चुका हूं चांदनी चौक और यहां से है एंट्री। आप देख सकते हैं कौन कौन सी जगह है, सारी चीज़ें आपको यहां पे बताई हुई हैं, तो वीडियो को पॉज करके यहां पे आप देख सकते हैं। और चलिए चलते हैं। तो चलिए अभी एंटर कर रहे हैं यहां पे, पहुँच चुके हैं चांदनी चौक। और आपको ना मेन कहाँ है, परांठे वाली गली आगे, और अभी जा रहे हैं परांठे वाली गली, कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख लग पड़ी है, तो कुछ ना कुछ कहना ब्रेकफास्ट करते हैं कुछ ना कुछ। यह है चांदनी चौक का सुबह सुबह का माहौल, बिल्कुल लाल किला के सामने है ये मार्केट। और थोड़ा सा माहौल दिखाते हैं आपको सुबह सुबह का, बिल्कुल शांत है अभी, लोग आ रहे हैं अभी, आना शुरू किया है। और तो अभी अपनी थाली आ चुकी है परांठे की, तो अभी करते हैं ट्राई। परांठे में दम तो है और साथ में आपको मैं दिखाता हूँ, ये है साथ में चटनी आलू की सब्जी और साथ में है चना, और ये है स्वीट वाली, मुझे लगता हाँ स्वीट वाली चटनी, और ये कुछ अचार, और ये आलू की सब्जी सूखी, और ये भी अचार है, और नहीं अचार नहीं है, ये है कद्दू, कद्दू की सब्जी। गाइस अभी आपको पता है अभी आए थे परांठे वाली गली में, परांठे वगैरह भी खा लिए हैं और अभी हम ट्राई कर रहे हैं दौलत की चाट, और है ये स्वीट स्वीट और क्रीमी। टेस्ट तो लाजवाब है। और अभी हम निकल रहे हैं बाहर, अभी घूम लिए। देख सकते हैं आप, क्यों बारिश थी मॉर्निंग में, तो अभी थोड़ा मौसम साफ हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये अभी धूप का नज़ारा और मौसम हो चुका है क्लियर। 10 मिनट धूप में बैठते हैं, थोड़ा सा धूप का आनंद लेते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे आगे की ओर। व्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी हम निकल रहे हैं आगे लाल किला की तरफ, और ये खाने के आइटम तो इधर आप बता ही सकते हैं, पता है ये यहाँ पे बबरू भी मिलते हैं आपको पता है, मजाक कर रहा हूँ यार। बबरू तो हमारे हिमाचल में मिलते हैं। ये चीज़ तो सबसे बढ़िया बेस्ट लगी मुझे यहाँ पे ना बैठने के लिए, मतलब आराम से बंदा बैठ सकता है इन जगहों पे। और तो चलिए चलते हैं अभी आगे की तरफ, धूप लगी है और गर्मी वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, जैसे ऊपर से धूप लगती है ना वैसे गर्मी का एहसास होता है, और ऊपर से वो जैकेट वगैरह डाली हो तब तो समझो कि उबल ही गए सिस्टम। और यह मेरे पीछे देख सकते हैं ज्वेलरी की मार्केट है, तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी मार्केट अभी बंद है, तो अभी दूसरी तरफ चलते हैं ज़्यादा, अभी तो ओपन हो रही है सुबह सुबह। अभी हम पहुंच चुके हैं लाल किला के सामने और ये थोड़ी दूर पे है, और यहाँ पे अभी खा लेते हैं हम जलेबी, जलेबी और रबड़ी। ये
ये आ चुकी है अपनी जलेबी और रबड़ी, और बहुत ही फेमस है यहाँ की, इसलिए ट्राई करेंगे। पहले मैंने कई बार खाई है, पर आज ट्राई करेंगे भाई के साथ। चलिए शुरू करते हैं। इसका टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत फेमस है ये यहाँ पे। बिल्कुल लाल किले के अंदर आके सामने। और अभी पहुँच चुके हैं लाल किला के सामने, देख सकते हैं, और यहाँ पे हाथ वगैरह धो लेते हैं। अभी मैं निकल रहा हूँ सीपी के लिए, तो ऑटो वगैरह हमने कर लिया है, तो अभी बैठते हैं और निकलते हैं। चलिए अभी पहुंच चुका हूं मैं सीपी, और यहां पे अभी दोस्त के साथ मिलना है, तो उसका वेट कर रहे हैं अभी, और उसका थोड़ा सा घूमेंगे इधर, और आपको सीपी का नज़ारा भी दिखाएंगे।